एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कामनी मौर्य एंड यू आर वाचिंग बी क्यूरियस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीडब्ल्यूईबी के रिगार्डिंग की। एनसीडब्ल्यूईबी आपने काफी बार सुना होगा, इसको क्या कहते हैं, इसका क्या पर्पस है और क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप एनसीडब्ल्यूईबी के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं या फिर आपको नॉलेज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एनसीडब्ल्यूईबी आपको एक शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। जिन लोगों ने ये वीडियो स्टार्ट कर दिए देखने, उनको मैं पहले से ही बता देती हूँ कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स के रिगार्डिंग ये टॉपिक है, उन्हीं की काम की चीज है। आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने सिस्टर्स के साथ या फिर अपने कजन्स के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी उनके लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल हो जाएगी वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं हम बेसिकली एनसीडब्ल्यूईबी है क्या। तो ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है जो कि कंट्रोल करती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, सिर्फ फीमेल्स के लिए जो क्राइटेरिया है इसमें एडमिशन लेने का, वो ये है कि अगर आप गर्ल्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एनसीटी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दैट इज नॉन कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इससे अगर आप बिलोंग करते हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं। लाइक सपोज आप बिहार से आ रहे हैं या फिर आप पंजाब से आ रहे हैं या फिर आप चेन्नई से आ रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपका एनसीटी दिल्ली से होना बहुत कंपलसरी है। ये एक तरह की बहुत अच्छी एडवांटेज है जो कि डीयू ऑफर करता है। सम हाउ व्हाट्स ओवर द रीजन, देर आर लॉट ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु आर नॉट इवन एबल टू परस्यू देयर ग्रेजुएशन, सो उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एनसीडब्ल्यूईबी से अपनी ग्रेजुएशन कर ले। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म है एनसीडब्ल्यूईबी की, नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड। तो इसका मतलब है ये सिर्फ वुमेन्स के लिए, सिर्फ गर्ल्स के लिए ही ऑफर करता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप एक अच्छी खासी अपनी डिग्री या फिर आप अपना अंडर ग्रेजुएशन कोर्स परसू कर सकते हैं, तो ये आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो हम अगर इसके सेंटर्स की बात करें तो 26 सेंटर्स इसके, जो कि 26 सेंटर इसके क्या कहते हैं यूजी कोर्सेज के हैं और एक सेंटर इसका पीजी के लिए है। और ये सारे कंट्रोल करते हैं बहुत सारे कॉलेजेस, जैसे कि आपने नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस में सुना होगा। जैसे कि साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं पीजीडीवी हो गया, आपका देशबंधु कॉलेज हो गया इस टाइप से, और नॉर्थ कैंपस के कॉलेज हो गए हंसराज कॉलेज हो गया आपका। ठीक है, तो ये सारे कॉलेजेस ये आपको ऑफर करते हैं एनसीडब्ल्यूईबी के थ्रू आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का मौका। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ये फर्स्ट एलिजिबिलिटी है कि आपको 40% मार्क्स एग्रीगेट आपको पास करना होना कंपलसरी है ट्वेल्थ क्लास में। आपके इंटरमीडिएट में आपको ट्वेल्थ पास होना कंपलसरी है एक स्पेसिफिक एक प्रोमिनेंट बोर्ड के साथ। ठीक है, और साथ ही में आपको 40% चाहिए एग्रीगेट मार्क्स। और इसकी बात करें आपको एडमिशन कैसे मिलता है थ्रू इसके, तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है जैसे कि बाकी कोर्सेज या फिर बाकी कॉलेजेस में निकलती है रजिस्ट्रेशन के लिए, एक बेसिकली एक सिंगल फॉर्म निकलता है। ठीक है, तो उसी तरह आपको एनसीडब्ल्यूईबी के थ्रू भी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, और आपको फिर इसमें भी सेम होता है कि आपकी कट ऑफ्स आएंगी, कट ऑफ्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके कौन से कॉलेज में होगा। ठीक है, और इसमें भी आपको बेस्ट फोर कैलकुलेशन करनी पड़ती है जैसा कि आप रेगुलर कोर्सेज के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको बेस्ट चार सब्जेक्ट में अपने मार्क्स इसमें मेंशन करने होते हैं तब आपका एडमिशन होता है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको 66.6% की अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है, जैसे कि रेगुलर कॉलेज में 75% आपको मेंटेन करनी पड़ती है अटेंडेंस, तो इसमें भी आपको कम से कम 66.6% आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है। बात करें अगर इसके कोर्सेज की कि एनसीडब्ल्यूईबी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करता है, ये आपको कोर्स ऑफर करता है सिर्फ बीए प्रोग्राम, और आपको कोर्स ऑफर करता है एमए और बीकॉम पास। ठीक है, तो बीकॉम प्रोग्राम और बीए प्रोग्राम ये ऑनर्स जैसे कोई भी कोर्स प्रोवाइड नहीं करता है, तो आपको एक इजी हायर एजुकेशन चाहिए तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कॉलेजेस की बात करें कि आपको कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं या फिर एवरेज कॉलेज हैं जिनमें एडमिशन मिल सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप संडे वाली लिस्ट में आपका किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है या फिर सैटरडे। ठीक है, वो हम संडे वाले कॉलेजेस की बात कर लें कि जो आपको संडे संडे को मिल जाते हैं कॉलेज जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, तो वो कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि अदिति महाविद्यालय कॉलेज है हमारा और भारती कॉलेज है, ये कुछ कॉलेजेस हैं जो आपके संडे के दिन ओपन रहते हैं, तो आपको इस दिन ही जाना होता है सिर्फ वीक में एक बार। ठीक है,
और सैटरडे की बात करें, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ सैटरडे को खुलते हैं, वहां पे आप सिर्फ सैटरडे को ही अपने क्लासेस ले सकते हैं, तो उनमें से वो कुछ कॉलेजेस हैं जैसे कि हंसराज कॉलेज, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर लिस्ट जो भी है आपको या फिर जो भी पूरा क्राइटेरिया है, ये आपको DU की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा और वहां पे एक प्रोस्पेक्टस भी रहता है, तो आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख जाए। तो चलिए अगर हम बात करें फी स्ट्रक्चर की, कि NCWEB में आपको कितनी फीस लगती है आपके एडमिशन के लिए, एक साल की एनुअल फीस की बात करें तो वो आपकी 3500 फीस आपके लगते हैं, जो कि बहुत ही एक कम अमाउंट है, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, ठीक। तो PWD की बात करें तो उनकी जो एडमिशन फी होती है वो सिर्फ 100 रुपीज होती है, और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनकी होती है 3500 एडमिशन फी। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें कि आपको NCWEB में क्यों आप इसके थ्रू अपनी अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं या फिर अपना अच्छी खासी डिग्री ले सकते हैं, तो इसके फीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स, जो फेमस स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिनके पेरेंट्स या फिर जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती है फाइनेंशियली उन्हें, या फिर उनका फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा वीक होता है, तो उनके लिए काफी अच्छा ऑफर है ये एक तरह से, कि इसमें आपकी परसेंटेज भी काफी कम जाती है, इसकी कट ऑफ भी कम जाती है और आपकी एक नॉमिनल फी आपको देखने को मिलती है। साथ ही में आप यूटिलाइजेशन देख सकते हैं कि आप अपने टाइम को कितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, और साथ में बहुत सारी चीजें हैं आप उन्हें भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं, कोई भी वर्कशॉप है, कोई भी जॉब वगैरह आप देख रहे हैं पार्ट टाइम, तो काफी सारी चीजें आप कर सकते हैं इसके साथ साथ, ग्रेजुएशन के साथ साथ। और आप ECA की बात करें, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज, तो इसमें भी आपको पार्टिसिपेशन करने के काफी सारे अच्छे चांसेस मिलते हैं, और काफी सारी एंजॉयमेंट भी NCWEB में होती है, जस्ट लाइक रेगुलर कॉलेज। उतनी ज्यादा क्राउड, उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है, बट स्टिल आपकी अच्छी खासी ग्रेजुएशन इसमें भी बीत जाती है। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई है NCWEB के रिगार्डिंग। तो आई होप कि आपको काफी सारी चीजें पता चल गई होंगी कि इसमें मिनिमम परसेंटेज आपको कितनी चाहिए कि आपका एडमिशन हो जाए, या फिर वो कौन से सेंटर्स हैं जो आपके हैं और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। एक आपको मैं एक टिप देना चाहूंगी, और आप कह सकते हैं एक मैं सजेशन देना चाहूंगी, वो ये है कि आप अपने रेजिडेंस से सबसे पास में जो आपका कॉलेज पड़े प्लीज वहीं पे ही एडमिशन लेना, और अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे और बहुत अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा अगर पसंद आई है तो, अदरवाइज इट्स ओके। मिलते हैं दोबारा इसी तरह की एक वीडियो के साथ।